साई की बात। बच्चे, तुम्हारा साई तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। मेरे बच्चे, तुम पर कोई मुसीबत आने से पहले ना तुम्हारे साई को छुएगी। मेरे बच्चे, तुम तक तो मैं पहुंचने भी नहीं दूंगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा अंग रक्षक जो हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर ना हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, हमेशा। और मेरे कुछ बच्चे पूरा दिन एक एक सांस में मेरा नाम जपते हैं, साई 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 कहते हैं। यही तो भक्ति है मेरे बच्चे, यही तो प्रेम है मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे करते हो और जो मैं तुमसे करता हूँ। जब तुम पूरा दिन एक एक सांस में मेरा नाम जाप करते हो ना, तो मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए। और तुम्हारे प्रति मेरा जो भाव है, जो प्रेम है ना, वो और बढ़ गया है मेरे बच्चे, बहुत बढ़ गया है। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरा स्नान जल है ना मेरे बच्चे, उसे अपने पूरे घर में छिड़को मेरे बच्चे, और हो सके तो उसे ग्रहण भी करो और अपने परिवार वालों को भी दो मेरे बच्चे। उससे बहुत नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर की बाहर चली जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, मैंने अपने कुछ बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की है स्वप्न में, और जो तुम्हें समझाया है उसे समझो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत संकेत देता हूँ, बहुत समझाता हूँ और बार बार अपने होने का एहसास भी कराता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी और से पूछते हैं कि साई है या नहीं है। क्यों मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी से पूछने की? अगर कुछ समझ नहीं आता या मेरे होने का एहसास होने तुम्हें समझ नहीं आता, तो मुझसे पूछो ना, सीधा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊँगा। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या मेरे होने का एहसास तुम्हें समझ नहीं आता, या कोई मन में शंका होती है मेरे बच्चे, कोई विचार होते हैं, तो मेरे आगे प्रकट किया करो ना, मैं तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा। मेरे बच्चे, जो भी मन में शंका आती है ना, सीधा मेरे पास आया करो, मुझसे पूछा करो, मैं तुम्हें बताऊंगा ना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें सलाह देने की कोशिश करता है ना मेरे बच्चे, तो उसकी सलाह को सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारा दिल कहता है मेरे बच्चे। हर किसी की सलाह को मानना मत मेरे बच्चे, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने भाव के हिसाब से, अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से तुम्हें सलाह देता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम्हें वो सोचकर कार्य करना है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुमने इतना क्रोध किया मेरे बच्चे, क्या हासिल हुआ तुम्हें क्रोध करके मेरे बच्चे? क्या तुमने कभी अपने आप से ये प्रश्न किया मेरे बच्चे कि तुमने क्या हासिल किया? बल्कि सब कुछ खो दिया, गवा दिया, सब कुछ नुकसान कर दिया मेरे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता। तो रोज़ एक काम किया करो मेरे बच्चे, रोज़ 108 बार ओम साई राम करके मेरा जाप किया करो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भी शांति आएगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा क्रोध भी बहुत हद तक शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ज़िंदगी से इतना वाकिफ हो चुके हैं ना, वो मेरे चरणों में आके इस ज़िंदगी की जो असलियत है उसे समझने लग गए हैं कि असली आनंद क्या है। असली आनंद उन्हीं के अंदर है, उन्हीं का सच्चा भाव, उनका प्रेम, उनकी भक्ति, बस यही है। और वो बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं और अंदर ही अंदर बहुत आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सब माया जाल है, और वो बहुत हद तक समझने भी लग गए हैं। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मेरे बच्चे, कि तुम इन संसारिक माया जाल से बाहर निकलकर मेरी ओर खींचते चले आ रहे हो। और कुछ मैंने अपने बच्चों को अपने चरणों का आभास भी कराया है, तो हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे ही चरण है मेरे बच्चे, जो तुम्हें आभास हुआ मेरे बच्चे, वो मैं ही था, मैं ही तुमसे मिलने आया था मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर जो पेड़ है ना, जो सूख रहा है मेरे बच्चे, उसमें उदी जल डालो मेरे बच्चे, मेरे स्नान जल में उदी डालकर उस पेड़ में डालो मेरे बच्चे, वो दोबारा से हरा भरा हो जाएगा तुम्हारी साईं की कृपा से। और रोज़ उसकी देखभाल किया करो मेरे बच्चे, गर्मी बहुत है, उसे रोज़ पानी दिया करो मेरे बच्चे, रोज़ दिया करो। और कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए वस्त्र लेकर आए थे, तो मुझे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए मेरे बच्चे, जो तुम लेकर आए ना, जो तुमने मुझे पहनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा यही प्यार देख के ना, तुम्हारा साईं तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो निस्वार्थ भाव से मुझसे प्यार करते हो, अपना बाबा कहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो ये तुम्हारा मेरा संबंध है ना, ये जन्मों जन्मों का है मेरे बच्चे, जन्मों जन्मों का। तुम जहाँ जाओगे, जैसे जाओगे, वहाँ तुम अपने साईं को पाओगे मेरे बच्चे। चाहे तेरी निजी जिंदगी हो मेरे बच्चे, चाहे तेरी पेशेवर जिंदगी हो, वो सब तुम्हारे हक में हो जाएगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। अपने साईं पर पूर्ण तरह विश्वास रखना, जो तुमने खोया है ना
वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और वो सब तुम्हारे हक में हो जाएगा मेरे बच्चे। अभी जो तुम्हारे विपरीत है ना, वो सब धीरे धीरे कर कर तुम्हारे हक में हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, भविष्य की बातों को सोच सोच कर अभी से क्यों परेशान होते हो? जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचते हो? क्यों अपने आप को परेशान करते हो? क्यों अपने मन को परेशान करते हो मेरे बच्चे? एक बात हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, जो लिखा है वो होगा ही मेरे बच्चे, और होने को कोई नहीं टाल सकता। तो उसके बारे में क्यों सोचना आज के लिए मेरे बच्चे? आज का वर्तमान क्यों खराब करना? व्यर्थ की चिंता में क्यों पड़ना? बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो आगे की भविष्य की चिंता मत करो, जो वर्तमान है उसे जियो और खुलकर जियो मेरे बच्चे। बाकी सब अपने साईं पर छोड़ दो। जैसे मैंने तुम्हारा आज वर्तमान संभाल रहा हूँ, वैसे आगे तुम्हारा भविष्य भी संभालूंगा। मैं हूं ना, भरोसा रखो अपने साईं पर। और कुछ मेरे बच्चे ना बहुत शांत है, उनका मन ना बहुत भरा हुआ है। वो किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, सब बातें अपने अंदर दबा कर रखते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर तुम किसी से नहीं कह पाते हो तो अपने साईं से कहो, अपनी साईं माँ से कहो मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल हल्का होगा। मुझसे अपने दुख दर्द बांट लिया करो, मुझसे कह दिया करो, फिर देखो तुम्हें सारी परेशानियों का हल भी मैं बताऊंगा तुम्हें। और अगर कोई रास्ता ना दिखाई दे तो साईं सा चरित्र पढ़ना, तुम्हें रास्ता नज़र आ जाएगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें संकेत दूंगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब वाहन चलाते हो ना तो सावधानी से चलाया करो मेरे बच्चे, तुम बहुत तेज चलाते हो। थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा सा मेरे बच्चे ध्यान दो मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चे महादेव के ना बहुत बड़े भक्त हैं, तो मेरे बच्चे सुनो, रोज शिव चालीसा पढ़ा करो, उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे। शिव का आशीर्वाद और माँ का आशीर्वाद तुम पर हमेशा सदैव रहता है, और वो तुम्हारी रक्षा भी करते हैं। तुम जिस तरह से माँ काली का, माँ का और शिव का तुम हमेशा जाप करते हो, जो उनकी पूजा करते हो, उनका आशीर्वाद सदैव तुम पर रहता है, सदैव मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो तुम कर पाओगे मेरे बच्चे। जो तुम अपने माता पिता के लिए करना चाहते हो वो तुम कर पाओगे मेरे बच्चे, अपने सारे सपने पूरे करोगे, अपने माता पिता के भी सारे सपने तुम पूरे कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें अपने अंदर हिम्मत लानी होगी, अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ और वो तुम कर पाओगे। अपने माता पिता को वो सुख दे पाओगे जो तुम चाहते हो, जिस तरह की जिंदगी तुम चाहते हो उन्हें देना, वो तुम दे पाओगे मेरे बच्चे, दे पाओगे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं और उनकी उम्र भी बहुत छोटी है, लेकिन इतनी सी उम्र में ना उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। तो देखो ना, तुम्हारे साईं ने कभी मना किया है क्या? तुम देखो, उसे पूरा तुम्हारा साईं करेगा। मैं हूं ना, मैं करूंगा, तुम बस मेहनत करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के दांतों में बहुत दर्द है, बहुत दिक्कत है, तो सुनो मेरे बच्चे, अभी से सफाई करो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि साईं आपने ऐसा क्यों किया, आप ध्यान नहीं देते हो। तो सुनो मेरे बच्चे, आज से ही सफाई करना ढंग से शुरू कर दो, नहीं तो डॉक्टर से परामर्श करो मेरे बच्चे, डॉक्टर को जाकर दिखाओ। और कुछ मेरे बच्चे शादियों का लुत्फ बहुत उठा रहे हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, आनंद लो, शौक मौज सब करो, लेकिन मेरे बच्चे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। ऐसा कुछ मत खा लेना जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य को हानि हो मेरे बच्चे, और अच्छे से करो, अच्छे से रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हारा मन करता है ना वो करो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। और जो मेरे बच्चे तुम्हारे रिश्तों में मन मुटाव चल रहा है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ मेरे बच्चे, वो गलत फहमियाँ, वो मन मुटाव मेरे बच्चे बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम पर मेरे बच्चे, खुश रहो, बहुत सारा प्यार मेरा। आज का मध्याह्न साईं संदेश समाप्त हुआ।